कैसे हैं, आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह कंटेंट में और लेकर के आऊँ। तो आज का जो हमारा वीडियो है गाइस, वो हमारा वीडियो है ये सीम कनेक्टर को कैसे हम निकालते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इसी कनेक्टर को हम निकालेंगे और इसी कनेक्टर को वापस इंजेक्ट करेंगे। देखते हैं कि जलता है कि नहीं जलता है, प्रोसेस हमारा काम होता है कि नहीं होता है गाइस। तो वीडियो को लास्ट एंड तक आप जरूर देखिएगा गाइस कि ये जो सीम कनेक्टर है हमारा, इसको हम कैसे सेफ तरीके से निकालते हैं और कैसे सेफ तरीके से हम लगाते हैं। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीम जैक, यहाँ पे हम करने वाले हैं इस पर काम। तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप ऐसे ही देखते रहें गाइस। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ आपको फ्लक्स इंजेक्ट कर लेना है गाइस। जैसा कि मैं यहाँ पे एक जगह कर लिया, आपको एक जगह, क्योंकि जहाँ पे ये सोल्ड होता है वहाँ वहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे पेस्ट इंजेक्ट कर लेना है। चारों तरफ इसके पेस्ट को आपको इंजेक्ट कर लेना है और कुछ बीस में भी आपको यहाँ पे पेस्ट को इंजेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे पेस्ट इंजेक्ट कर देता हूँ गाइस। प्रेशर होना चाहिए वो 300 होना चाहिए और आपका जो एयर होना चाहिए वो 40 होना चाहिए। अब आपको क्या करना है इसके चारों तरफ, तो देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट जैसे इंजेक्ट कर दिया गाइस, अब इसके चारों तरफ आपको हिट देना है, प्रॉपर चारों तरफ आपको हिट देना है गाइस। देखते हैं कनेक्टर हमारा जलता है कि नहीं जलता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि हमारा ये कनेक्टर जलता है कि नहीं जलता है गाइस। तो ऐसे ही हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कीजिएगा कि ये आपके वीडियो कैसे लगते हैं। हमारा जो नया नया कंटेंट रहता है, जो भी न्यू कंटेंट रहते हैं, हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसके सोल्ड के आपके चारों तरफ इसमें थोड़ा सा लगेगा आपको टाइम गाइस। आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 300 होना चाहिए, एयर आपका 40 होना चाहिए। तो चलिए इसमें थोड़ा सा लगेगा टाइम। तो वीडियो को लास्ट तो गाइस थोड़ी सी मेहनत लगी, टाइम लगा गाइस, पेशेंस रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक भी कंपोनेंट नहीं जला है गाइस। देख सकते हैं गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, एक भी कंपोनेंट हमारा नहीं जला है, एक भी प्लास्टिक हमारा नहीं जला है। देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्रॉस करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो एक भी प्लास्टिक हमारा यहाँ पे नहीं जला है गाइस। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाने की मैं कोशिश करूँ, एक भी प्लास्टिक यहाँ पे नहीं जला हुआ है। सेम प्रोसीजर आपको क्या लेना है गाइस, यहाँ पे लेना है थोड़ा सा डिसोल्डर वायर लेना है और इसके चारों तरफ आपको एक बार चला देना है गाइस। ये देखिए, ये मैं डिसोल्डर वायर लेता हूँ गाइस और डिसोल्डर वायर लेकर के जहाँ जहाँ ये मेल्टिंग पॉइंट है, जहाँ वहाँ पे सोल्डिंग पॉइंट है, वहाँ वहाँ आपको इसको चला देना है। ये देखिए गाइस, मैं यहाँ पे सारा क्लीन कर देता हूँ, वॉश एक बार वॉश करेंगे गाइस। इसको करेंगे हम प्रॉपरली तरीके से वॉश, देख सकते हैं ये हमने वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद इसको हम साफ कर लेंगे। साफ कर लिया गाइस, तो आप इसके देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइस, कोई भी खराब नहीं हुआ है। अब ये जो हम लगाएंगे, इसी को हम लगाने वाले गाइस, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, हम इसी को प्रॉपरली तरीके से लगाने। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे हल्का सा पीपीटी और हल्का सा फ्लक्स लेकर के आपको इसको सोल्ड कर देना है। ये देखिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ गाइस, आपको इस तरीके से हल्का सा सोल्ड कर देना है। और आपको जो यहाँ पे यूज़ करना है वो आपको करना है 138। मैंने पहले से वीडियो में बताया हुआ है आपको यहाँ पे 138 यूज़ करना है। तो अभी मैं आपको पिक दिखाऊंगा और ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इंजेक्ट कर देना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ गाइस। तो अब आपको इसको चला देना है, तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारा यहाँ पे लगेगा वो फट से बैठ जाएगा गाइड, बहुत ईजी तरीके से लग जाएगा। तो मैंने चलिए यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। सोल्ड करने के बाद अब आपको क्लीन करके दिखा देता हूँ, इसकी पिक दिखा देता हूँ क्लीन करके गाइज आपको। चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं। अब आपको एक अलग ही चमक दिखाई दे रही होगी गाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे सोल्ड कर दिया, आपको यहाँ पे अलग ही उभरा टाइप का दिखाई देगा। तो 130 आपको यूज़ करना है गाइज। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कनेक्टर को सेट कर देना है। उससे पहले आप थोड़ा सा फ्लक्स यूज़ कर लें, चारों तरफ आप फ्लक्स यूज़ कर लें। तो फ्लक्स यूज़ करने का बेस्ट तरीका है
कि आप पहले थोड़ा सा हीट मार दें। फ्लक्स यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको चारों तरफ जैसे थोड़ा सा हीट मार देंगे, तो ये होगा कि जैसे आप फ्लक्स यूज़ करोगे तो फ्लक्स हमारा चारों तरफ फैल जाएगा। तो चलिए हम फ्लक्स को यूज़ कर लेते हैं चारों तरफ। यहाँ पे देखिए, जैसे आप फ्लक्स को लगाओगे तो फ्लक्स हमारा चारों तरफ यहाँ पे लग जाएगा गाइस। ये देखिए, ये और इस टाइप से आप यहाँ पे फ्लक्स को इंजेक्ट कर देंगे। फ्लक्स को इंजेक्ट करने के बाद हम वही कनेक्टर को वापस से लगाते हैं गाइस। हमारा कनेक्टर यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। चलिए कनेक्टर को सेट करने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, वही आपका जितना एयर होना चाहिए 30-40 एयर और आपका। चलिए तो हम फटाक से इसको कर देते हैं। जितना टाइम आपका गाइस निकालने में लगा था उतना टाइम आपका नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप 130 पेस्ट यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तो आफ्टर ऑल अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अब चलिए आपको इसके फाइनल शॉट्स दिखाते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से लगा कि नहीं लगा गाइस। तो चलिए इसके हम फाइनल शॉट्स दिखाते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से लगा कि नहीं लगा गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो प्रॉपरली तरीके से सोल्ड हो चुका है हमारा ये सीम कनेक्टर, जो कि वही सीम कनेक्टर था जैसे कि आप बीच से भी देख सकते हो, कोई भी कहीं पे भी नहीं जला है। गाइस यहाँ भी देख सकते हो प्रॉपर तरीके से हमारा ये सेट हो चुका है गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं प्रॉपरली तरीके से हमारा सेट हो चुका है गाइस। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है कि सीम कनेक्टर को भी हम कैसे निकालते हैं बिना जले, तो आप यहाँ पर नए सीम कनेक्टर को भी इंजेक्ट कर सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं आप, कि जब आप नया सीम कनेक्टर लगा रहे हो तो आप आराम से जो भी इसके लेग हैं वो उसको पहले आप हल्का हल्का सोल्ड कर लो, और फिर नीचे पेस्ट देने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से आप लगा सकते हैं। तो आई होप ये हमारा काम आपको कैसा लगा है। अगर आपको ये काम आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना ना भूले, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा गाइस। तो जो आपका मैं लास्ट में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस एयर पे काम किया था, तो देख सकते हैं 300 टेम्परेचर और 40 एयर। तो ये सारा कुछ हमने आपको एक दिखा भी दिया गाइस। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।